क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 10 पार्ट्स हैं, मतलब 5 पार्ट्स है ना, तो सबके अंदर हमें डाटा दिया गया है, तो हम फार्मूलाज यूज़ करते हुए इसमें से जो अपनी लीस्ट स्क्वेयर लाइन है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डाटा पहले का डाटा के लिहाज से जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमें ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बी के लिए हम समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एन समेशन एन एक्स बार का होल स्क्वेयर, तो ये वैल्यूज वैल्यूज हम सारी वैल्यूज हम यहाँ दर्ज कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके ऊपर वाली पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे वाली नीचे, तो हमारा आंसर आएगा -1। और फिर ए के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार की वैल्यू भी दी हुई है, बी हमने निकाल लिया, एक्स बार 10 है, 30 आ जाएगा। तो हमने निकालना क्या था, रिग्रेशन लाइन। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 30, और रिग्रेशन कोफिशेंट बी की वैल्यू है 1, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 - x, 1 ना भी लिखें तो एक कोई बात नहीं। दूसरे पार्ट में जो डाटा है उसके लिहाज से बी इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन एक्स स्केयर का समेशन माइनस समेशन एक्स का होल स्केयर, डाटा दर्ज करेंगे 0.095 आंसर आ जाएगा। और ए के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार समेशन वाई माइनस ओवर एन माइनस बी एक्स बार है समेशन एक्स ओवर एन, वैल्यूज दर्ज करेंगे सारी, 3364.68 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3364.68 और बी की वैल्यू क्या आई है, 0.095 x, ये दो पार्ट्स हमारे हो गए। आगे सी पार्ट में जो डाटा दिया गया है उसके लिहाज से वही फार्मूला जो भी यूज़ किया हमने, डाटा रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। और ए के लिए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स और एन, यहाँ से भी वैल्यू -3 ये आ जाएगी, यहाँ दर्ज कर देते हैं, ए की वैल्यू है -3.1748 प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है 0.32 x। ठीक है, ये सी के लिए क्वेश्चन आ गए। फिर डी के लिए भी वही ऊपर वाला फार्मूला दोबारा नीचे लिखना है, डाटा दर्ज करेंगे 0.8887, और ए के लिए भी यही फार्मूला रखेंगे, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, तो -75 या दर्ज कर देंगे, ए की वैल्यू आ गई -75.9677, बी की वैल्यू है 0.8887 x। ई के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि डाटा चेंज है, तो ऊपर वाली वैल्यू बटा नीचे डिवाइड किया तो 3.53, और वाई ए के लिए भी वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो यहाँ दर्ज कर देंगे इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू आगे 53.44, बी की वैल्यू आगे 3.52 x, ये दोनों वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, लीस्ट स्क्वेयर लाइन फाइंड करेंगे, रिग्रेशन लाइन, और फिर रिग्रेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एरर फाइंड करना है। डाटा हमने लिख लिया पहले, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डाटा लिखा पहले सबसे, फिर इसके मैंने कॉलम बना लिए पहले, एक्स वाई का भी, एक्स स्क्वायर का भी, स्टैंडर्ड एरर का भी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्राइसेस हैं एक्स, उनका मैंने टोटल किया तो वो आ गया 495, वाई वाले का टोटल किया तो वो आ गया 1024, फिर मैंने एक्स वाई का कॉलम बनाया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इसका समेशन हमारे पास आ गया 49145।
एक्स स्क्वायर यानी कि इस कॉलम का स्क्वायर लेके ये कॉलम बन गया, इसका समेशन हम लेंगे तो वो आएगा 27225। रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है तो बी कोएफिशिएंट के लिए एन समेशन एक्स, वन समेशन एक्स, समेशन वाई, ये सारा डाटा ऊपर मौजूद है, दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो है -0.57। ये क्या लिखा है? -0.57। इसी तरह ए के लिए भी समेशन एक्स समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन, डाटा दिया हुआ, दर्ज करेंगे 130.65। यहाँ दर्ज करते हैं, ये हमारी इक्वेशन जो यहाँ से बनेगी वो क्या बनेगी, 130.615 प्लस बी की वैल्यू ये आ जाएगी, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -0.57x। इस इक्वेशन को यहाँ रखेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड नहीं करना। यहाँ पर ये एक्स वाली वैल्यू दर्ज करते जाएंगे एक्स की जगह, और मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ई वाला कॉलम, ये वाई का कॉलम माइनस ये वाई बार का, इनको माइनस करके ये वाला कॉलम बना लेना। ठीक है, इसका अगर हम समीशन करें तो हमारे पास आएगा -0.05। अब इसका स्केयर ले लेना है, ठीक है, इनका स्केयर लेके ये कॉलम बना लेना है तो इसका समीशन करेंगे तो ये आएगा 11.9374। ये हमारे पास फार्मूला स्टैंडर्ड एरर के लिए, एस वाई एक्स समीशन ई स्केयर एन माइनस टू समीशन ई स्केयर, अभी जो मैंने कॉलम बताया आपको ना, ये लास्ट वाला ये स्केयर का कॉलम था, यहाँ रखा एन माइनस टू एट और देन डिवाइड करेंगे फिर जल्द ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये कॉलम्स देख लें जो से बने। ओके, उसके बाद हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें भी हमने, उसके दो पार्ट्स हैं, पहले हमने y1 x फाइंड करना है फिर x1 y फाइंड करना है। ये कॉलम बना लेंगे ऐसे, इनके समीशन कर लेंगे और ये सिंपली है, ये मैंने पूरा हल नहीं किया, b पार्ट के साथ ही फिर इसको पूरा कर लेंगे।